हेलो बच्चों, आई एम आयान शुक्ला एंड आई विल बी टीचिंग यू ITNCS। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द फैमिली ऑफ वेक्टर, जहाँ पर हम काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखने वाले हैं। सो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है एडवांस वेब डिज़ाइनिंग। सो बिफोर गेटिंग इनटू इट, हम लोग बात करेंगे इंटरनेट क्या है, द वेब क्या है, एंड वील ऑल्सो डिस्कस फ्यू प्रोटोकॉल्स थ्रू विच द वेब टॉक्स और कनेक्ट्स विद ईच अदर। बिफोर गोइंग इनटू दैट, हम एक बार बोर्ड वर्क पे आ जाते हैं एंड विल सी हाउ थिंग्स गेट गोइंग। ऑलराइट, तो अभी हम लोग बात करने वाले द इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट होता क्या है? आप लोग ने सुना होगा इंटरनेट शायद होता रहेगा वेब ब्राउजर्स पे वेब पेज स्क्रॉल करना, वेदर इट बी योर इंस्टाग्राम, और आप गेमिंग करते हो उस पे इंटरनेट पे, शायद ये इंटरनेट हो सकता है। बट इन रियलिटी दैट इज नॉट एक्चुअली इंटरनेट। अलाउ मी टू एलैबोरेट ऑन दिस। इमेजिन करते हैं कि मैं घर पे बैठा है, चिल मार रहा एकदम। सो दिस इज मी चिलिंग अलोन। नाउ अकेलापन सबको महसूस होता है, सिंस इट्स वैलेंटाइंस वीक ऑब्वियसली यू नीड अ पार्टनर, सो आई कॉल माई फ्रेंड। नाउ वी बोथ आर चिलिंग टुगेदर विदाउट नेटफ्लिक्स। अब हम लोग खेल रहे गेम्स बिकॉज दे लव टू प्ले गेम्स। सो वॉट वी डू नेक्स्ट इज, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग इन द ह्यूमन वे, हम लोग क्या काम करने वाले, एक केबल अटैच करेंगे। हम लोग बोलेंगे चल मैसेज खेलेंगे, बट वील डू इट ओवर अ केबल। सो हियर इज अ केबल, आई सेंड अ मैसेज, हाय। अब ऐसा हुआ लकीली दैट माय पेरेंट्स वेंट अवे फॉर अ डे और टू, सो व्हाट आई डू इज आई थ्रो अ हाउस पार्टी। हाउस पार्टी थ्रो करने के बाद मैंने बुलाया प्रियांशु, सिद्धांशु, दिव्यांशु, जियांशु। अब आ गए हम छह मुश्तंडे साथ में। हमने बोला कि हमें भी तुम्हारा गेम खेलना है, मैसेज वाला। सो मैंने क्या किया, सबके साथ केबल्स अटैच कर दिए। हम लोग सब लोग साथ में बात कर पा रहे। वन माइट से यस, तुम लोग सब लोग बात कर पा रहे हो, बट व्हाट अबाउट मी टॉकिंग विद दिस गाय, विल आई बी एबल टू नो, आई हैव टू अटैच अ केबल। इसको इससे बात करना, ये केबल आ जाएगा, ये केबल आ जाएगा, ये केबल आ जाएगा, बहुत सारे केबल्स आ गए। अग्री? तो इतने सारे केबल्स, थोड़ा ज़्यादा मेहनत नहीं हो जाएगा हमें बात करने के लिए? इतने सारे केबल्स आपस में, वील स्किप टू द नेक्स्ट पार्ट, द गुड पार्ट। हम लोग ये सबको हटा देंगे। हम लोग अभी क्या करने वाले, देयर इज अ वेरी वंडरफुल थिंग नोन एज वाईफाई, जो काम करता है राउटर पे। तो हम लोग ने ला दिया एक राउटर, ये आ गया राउटर मेरा, इससे हमने सारे कनेक्शंस ले लिए। अब राउटर का बेस्ट पार्ट क्या है, मैं यहां पर मैसेज इसको भेजना चाहता हूँ, यहां से भेजा, राउटर ने इसके पास कन्वर्ट कर दिया। सो डोंट यू थिंक कि सब ट्रांसमिशंस हो रहे। अब हम लोग चेक करें कि इंटरनेट क्या है। द एंटायर दिस इज माय नेटवर्क, ये है मेरा नेटवर्क। सो अब हमने देखा कि नेटवर्क क्या होता है। सो व्हाट इफ आई डू वन नेटवर्क, टू नेटवर्क, थ्री नेटवर्क, फोर, फाइव, सिक्स, ऑल आर कनेक्टेड विद अ वन ह्यूज राउटर। This is my network of networks, and a network of networks is nothing but our internet. Now, internet दो प्रकार के होते हैं, there are two types. Let's see that too. So, the two types of the internet is one, internet itself. Second is web. जो हमारा मेन फोकस रहने वाला है। इंटरनेट वर्क्स ऑन टू थिंग्स, वन इज TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड द अदर इज IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो वेब है इट वर्क्स सोल्ली ऑन वन थिंग, व्हाट इज दैट वन थिंग, इट इज नोन एज HTTP। HTTP का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपने शायद चेक किया होगा कि आप कोई भी वेब पेज डालते हो उस पर आता है HTTPS या HTTP, सो दैट इज नथिंग बट दिस। नाउ व्हाट डज HTTP डज, हम बात कर रहे थे द वेब की,
और द वेब पे हम लोग ने बात किया HTTP का। HTTP works on two major things. One is request and other is receive. इसका हम लोग elaboration देखते हैं कैसा होगा कि ये है मेरा computer and these are the servers जहां पर सारा data होगा across the internet. It can be anywhere. रशिया में हो सकता है, अमेरिका में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है. सो क्या होगा, आई नीड होमवर्क. मुझे होमवर्क चाहिए. मैंने एक भेजा रिक्वेस्ट. अब रिक्वेस्ट गया सर्वर तक पहुंचा. सर्वर ने बोला ओ मेरे पास तुम्हारा वेबसाइट है. इसके पास मेरा होमवर्क वाला वेबसाइट है. From where I can download thing. यहां से मैंने क्या कर लिया सर, Receive कर लिया. So what does HTTP does? इसका two major things है, request and receive. Request कौन कर रहा है, हम लोग. We are requesting to the servers. Server से request होने का तो क्या बोलेगा, ओ मेरे पास है, तो हम उससे receive भी कर सकते चीज है. बट अगर हमने कुछ रैंडम डाला, समझो हमने शायद कोई भलता सा लैंग्वेज भी लिख दिया जो उसको समझ में ना आए, तो एक एरर थ्रो करता है. व्हाट इज दैट एरर, एरर 404. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, हमने द वेब डिस्कस कर लिया, HTTP डिस्कस कर लिया. बट भैया ये बताओ कि मैं तो 12th की पढ़ाई करने आया हूँ, उसकी कब बात करोगे. तो हम उसी की बात करते हैं. पहला चैप्टर का नाम क्या है, गलती से भी अगर टेक्स्ट बुक खोला है आपने तो पता होगा कि पहला चैप्टर का नाम है एडवांस वेब डिजाइनिंग. पहला टॉपिक का नाम क्या बच्चों, एडवांस वेब डिजाइनिंग. ये वो वाला एडवांस नहीं है बच्चों, वेब डिजाइनिंग. एडवांस वेब डिजाइनिंग के तीन पिलर्स होते हैं. तीन पिलर्स कौन से हैं? पहला है हमारा HTML जो हमारा पहला टॉपिक भी रहने वाला है. दूसरा टॉपिक है CSS और तीसरा है द मोस्ट इंटरएक्टिव एट द सेम टाइम जो आपका दिमाग बहुत खराब कर सकता है, दैट इज जावास्क्रिप्ट. HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ये चीजें मार्कअप करने के लिए जो आप इंटरनेट पे चीजें देखते हुए पेजेस पे जो लिखी हुई चीज है उसका काम कौन कर रहा है, HTML. हमारा करंट HTML का अपडेटेड वर्जन कौन सा है जो सारे ब्राउजर से एक्सेप्टेड है, दैट इज HTML5. CSS इट्स कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स. आपके वेब पेजेस के जितने भी डिजाइन है, कलर्स है, जितना कुछ आपको दिखता है, वेदर इट बी मार्जिन हो गए, हाइट विड हो गया, वो आता है CSS के अंदर. एंड द मोस्ट अपडेटेड वर्जन ऑफ CSS इज CSS3. उसके बाद आता है जावास्क्रिप्ट. जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एंड वन माइट से कि भैया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, इसका बहुत सिंपल रीजन है बच्चों. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यूजुअली डिफिकल्ट बिकॉज इट वॉज रिटन बाय अ वुमेन. एंड आप सबको पता होगा कम्युनिकेशन कितना होता है उनका अच्छा. सो नाउ वी नो द रियल रीजन व्हाई प्रोग्रामिंग इज डिफिकल्ट. अभी हमारा HTML का पहला टॉपिक जो है दैट इज रिगार्डिंग फॉर्म्स. फॉर्म क्या होता है, फॉर्म एक ऐसा पेज लिया, उसके अंदर चीजें भरी. हमें तो इसका प्रैक्टिस होना ही चाहिए सारे बच्चों को. यूजुअली हमारे टाइम पे स्कूल में होता था कैंसर का फॉर्म, इसमें आप लोगों से कॉन्ट्रीब्यूशन लेते थे, स्कूल को देते थे और स्कूल अपने जेब में दबा लेता था. वेरी सिंपल. बट काश हमारा लाइफ भी उतना सिंपल होता. हमारा जो फॉर्म रहेगा उसके अंदर हमें क्या क्या लेना रहेगा, सामने वाले से नाम लेना रहेगा, फ़ोन नंबर लेना रहेगा, फिर हमें हो सकता है दूसरे डिटेल्स लेने हो, शायद ऑप्शंस भी आ जाए, है ना. आपने देखा रहेगा किसी ने जो ऑनलाइन बोर्ड्स वाले रहे रहेंगे या जिनका स्कूल ऑनलाइन हुआ रहेगा, गूगल फॉर्म्स से आपने काफ़ी सारे टेस्ट दिए रहेंगे. पता है ऐसे ऑप्शंस होते हैं, ऐसे बटन्स होते हैं, इन सारे बटन्स को रेडियो बटन्स कहा जाता है. और जो आपके टाइप्स रहेंगे इनपुट के उसे इनपुट टाइप्स. तो आ जाते हैं हमारे पहले टॉपिक पे विच इज फॉर्म्स. फॉर्म्स के अंदर हम लोग पहले क्या देखने वाले हैं, इनपुट. इनपुट यूजुअली कैसा है, उसका सिंटैक्स क्या होता है. सिंटैक्स बहुत सिंपल होता है. यहां आपने ओपन किया, लिख दो इनपुट, छोटू सा स्पेस दे दो, लिख दो उसका टाइप.
और उसके टाइप के अंदर जो भी रहेगा, अगर मुझे किसी का सिर्फ नाम लेना है या कोई भी स्ट्रिंग या कैरेक्टर्स ही लेने हैं, तो मैं उसका इनपुट लिख दूंगा टेक्स्ट और ये क्लोज। अगर मुझे किसी का फोन नंबर लेना है, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से फोन नंबर पूछो, गलत तरीके से नहीं, तो वो आप लिख दोगे नंबर। अभी आपने देखा रहेगा कि इंस्टाग्राम वगैरह के अंदर पासवर्ड का एक सेक्शन होता है, उसमें पासवर्ड आप टाइप करते तो डॉट 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 आता है, तो उसका भी एक इनपुट टाइप है। और उसको अब वो जब पासवर्ड का इनपुट ले रहे हैं तो उसका इनपुट टाइप क्या ही होगा, होगा पासवर्ड। तो ऐसे करके हमारे पास कई प्रकार के इनपुट टाइप्स है। अब उसका टेबल हम देखते हैं। ऑल राइट बच्चों, तो अभी हमने डिस्कस किया इनपुट टाइप्स, हम किस बारे में बात कर रहे हैं, HTML का। HTML के अंदर जब फॉर्म्स बनाते हैं या इन जनरल आप कोई भी वेब पेज बनाते हैं, तो उसके अंदर आपको हो सकता है इनपुट लेना पड़े सामने वाले यूजर से, तो उसके अलग अलग प्रकार के इनपुट टाइप्स होते हैं। आप देख सकते हैं इतना सारा लिखा है, सो लेट्स गो थ्रू देम वन बाय वन। पहला हमारे पास आता है इनपुट टाइप कलर। अब ये कलर सिर्फ यहाँ पर लिखा है, बट इसका कुछ तो सिंटैक्स होगा ना। तो सिंटैक्स ऐसा है कि आप टैग ओपन करते हो, आप लिखते हो इनपुट, उसका टाइप, और यहाँ पे जितने भी डॉट 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 है, ये यहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक्स खेलना है हमें, उसके अंदर हम ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन आर यूज केस, हमारा यूज केस के हिसाब से। पहला हमारा आता है कलर। अगर मुझे शायद कलर का इनपुट लेना है, हो सकता है हेक्स कोड में हो, उसके अंदर अलग अलग टाइप के होते हैं। जब भी हम लोग CSS सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि RGB होता है, HSL होता है, काफ़ी कुछ होता है। विल गो थ्रू दैट, बट यूजुअली हम हेक्स कोड में लेते हैं, दैट इज #, FFFFF और जो भी अलग अलग शेड्स के हेक्स कोड होते हैं वो। कलर हो गया, देन वी हैव नंबर। नंबर पूछने का एक सही तरीका होता है जो HTML हमें सिखाता है इनपुट टाइप के थ्रू। सो यू कैन आस्क फॉर नंबर्स फ्रॉम हियर। हो सकता है आपको कुछ स्पेशल लिंक्स चाहिए, कुछ वेबसाइट्स चाहिए, तो उसके लिए URL भी आप ले सकते हैं, जहाँ पे कभी कभार होता है कि आपको ड्राइव का लिंक भेजना पड़ता है अपने असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करने के लिए, वैसे लिंक्स। इमेजेस भेजने हो किसी को, सेफली अगर इमेजेस भेजने हैं थ्रू अ सिक्योर्ड वेबसाइट, तो आपका वेबसाइट के अंदर आप ये डाल दीजिए इमेज, तो आपके इमेजेस लीक नहीं होंगे। फिर आता है डेट। अगर आपका फॉर्म है कोई, किसी ने बर्थडे पूछ लिया, तो आप यहाँ पे डेट डाल सकते हैं। ईमेल आईडी यूज होएगा, तो वील यूज द ईमेल टाइप ऑफ द इनपुट टू टेक द ईमेल ऑफ द यूजर। रेंज, रेंज के अंदर कैसा कि हाँ बाबा आई नीड अ रेंज फ्रॉम दिस, विल बी 0 to 100, 1 to 2। रेंज हम लोग यूजुअली वो टाइम पे लेते हैं क्योंकि कुछ कुछ वेबसाइट्स आप देखते रहोगे इनएफिशिएंट होते हल्के से। एज के लिए आपको ऐसा टक 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 करके आपको एज इनपुट करना पड़ता है, या तो ऊपर वाला आप स्क्रोल करोगे तो नीचे वाले पे क्लिक करके करोगे, उसके बाद आपका जब एज आएगा तभी आप रुकोगे। उसके बाद आता है डेट टाइम लोकल। डेट टाइम लोकल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूँ, तो मेरे यहाँ पे 8:30 बजे है। हो सकता है कोई दुबई वगैरह में रहता हो, वहाँ पे 5 बजा रहेगा, तो हम डेट टाइम लोकल करेंगे तो जो वेब पेज है उसको उसके लोकेलिटी के हिसाब से राइट टाइम अपने आप रिसीव होएगा। अब हो सकता है कि वो उसके सिस्टम का लोकल टाइम ले या तो लोकेशन वाइज उसका लोकल टाइम ले, देन वी हैव द टाइम। क्योंकि अगर टाइम की इतनी बात करें तो हम लोग टाइम ले ही लेते हैं, किसी को टाइम डालना है, इनपुट डालना है कि ओके यू हैव अ सर्टेन डेट ऑन दिस टाइम, टाइम मिल गया। वीक, सिमिलरली वीक भी हो गया। एंड देन वी हैव सर्च कि मेरा वेब पेज है, मुझे कोई पर्टिकुलर सेक्शन ढूंढना है, मेरे वेब पेज से मुझे किधर और जाना है, तो इसके लिए मैं सर्च लूँगा। यहाँ पर आप लिंक डाल दो, कीवर्ड डाल दो, वहाँ से आप सर्च कर सकते हो। वी हैव इनपुट ऑफ अ फाइल, आपको फोल्डर्स पूरे भेजने हैं या कुछ पर्टिकुलर फाइल्स, दैट बी डॉक एक्स फाइल हो गया आपका, अगर फोटोशॉप वाले बच्चे हैं आप क्रिएटिव वाले, तो आपको .PST वाले फाइल्स होते हैं वो डाल सकते हैं। एंड ये तेल नहीं लिखा है, दिस इज टेल फॉर टेलीफोन नंबर्स, जैसे यहाँ पे नंबर्स थे ये टेलीफोन नंबर्स के लिए। ऑल राइट, सो दीज आर द इनपुट टाइप्स। फर्दर वी डिस्कस व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स वो होता है कि आप कुछ लिमिटेशंस लगा सकते हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, दोज आर नोन एज एट्रीब्यूट्स इन द इनपुट टाइप। लेट्स डिस्कस दैट। ऑल राइट बच्चों, तो हमने जैसा डिस्कस किया कि इनपुट के टाइप्स होते हैं, एट द सेम टाइम इनपुट के एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। एट्रीब्यूट्स आर नथिंग बट रेस्ट्रिक्शंस। अभी हो सकता है कि मैंने कुछ इनपुट टाइप डाला, बट कभी आपने देखा है कि आप कुछ कुछ जगह लॉग इन ही नहीं कर सकते, बटन क्लिक नहीं कर सकते, सबमिट बटन क्लिक नहीं कर सकते जब तक आपका सब फील्ड ना हो, तो उसके लिए हम डालते हैं डिसेबल्ड। डिसेबल्ड के अंदर हम लोग आके कंडीशंस भी डाल सकते हैं। फॉलोइंग दैट हमारे पास आता है मैक्स एंड मिन।
दीज आर जस्ट द वैल्यूज, एक कैप्स होते हैं कि आपका अपर लिमिट इतना है, लोअर लिमिट इतना है. तो वेदर इट बी नंबर, अगर मुझे कुछ एज का मैंने डाला है तो उसके अंदर मैंने एक मैक्स लिमिट डाला कि ओके द पर्सन शुड ओनली बी 65 ईयर्स ऑफ द एज. और अगर मुझे मिनिमम लिमिट डालना है कि हाँ ठीक है दे शुड बी एन एडल्ट, तो हम मिनिमम डालेंगे 18 और 21 डिपेंडिंग ऑन द रीजन यू आर लिविंग इन. फिर आता है पैटर्न. पैटर्न के अंदर वी कैन पुट इन पैटर्न एक्सप्रेशन, इसको रेजेक्स बोलते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन. सो इन दैट यू कैन एक्चुअली पुट इन पैटर्न तो वो फॉलो कर सके. एंड देन वी हैव ओनली रीड ओनली, कि जिसके अंदर इनपुट टाइप रहेगा तो दैट इज ओनली रीड ओनली. यू कैंट इनपुट एनीथिंग अटिल अनलेस अ कंडीशन इज अप्लाइड. देन वी हैव प्लेस होल्डर. प्लेस होल्डर क्या करेगा, एक टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर कुछ एकदम ट्रांसलूसेंट टेक्स्ट लिखे रहेंगे कि ओके एंटर योर टेक्स्ट हियर, या जैसे आप यूजर नेम का देखते हो उसके पीछे एकदम हल्के में लिखा रहता ना यूजर नेम, ये प्लेस होल्डर का काम है. देन वी हैव रिक्वायर्ड फील्ड, जैसा गूगल फॉर्म्स का एग्जांपल वापस दूंगा, जिसके अंदर आप लिख सकते हो कि ओके ये रिक्वायर्ड फील्ड है. अगर वो खाली छोड़ दोगे तो आपका सबमिट होगा नहीं होगा, तो डिसेबल्ड हो जाएगा. एट द सेम टाइम अंटिल एंड अनलेस आप ये नहीं भरोगे आप नेक्स्ट वाले को एंटर भी ना कर पाओ. देन वी हैव ऑटो कम्प्लीट. ऑटो कम्प्लीट के अंदर हम लोग एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, अगेन फॉलोइंग द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स. कभी कभार ऐसा होता है कि अगर आपको कोई OTP आया आप उसको ऑटो कम्प्लीट में से नहीं डाल सकते, एट टाइम्स हैव टू मैनुअली एंटर इट. एट द सेम टाइम कुछ कुछ जगह पासवर्ड्स होते हैं जिसके अंदर ऑटो कम्प्लीट डिसेबल्ड होता है, तो आप कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकते कहीं का पासवर्ड. देन वी हैव ऑटो फोकस. ऑटो फोकस इज नथिंग मेजर, इट जस्ट फोकसेस ऑन फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स. अगर आपका कोई टेक्स्ट बॉक्स है उसके ऊपर थोड़ा हाईलाइट रहेगा. देन वी हैव हाइट एंड विड्थ, दिस इज अ पार्ट ऑफ CSS, बट इसके अंदर आप उस टेक्स्ट बॉक्स का या उस इनपुट का हाइट और विड्थ डिसाइड कर सकते हो. एंड वी हैव मल्टीपल, जिसके अंदर आप मल्टीपल इनपुट टाइप्स रख सकते हो, वेदर इट बी रेडियो बटन्स, चेक बॉक्सेस एंड वॉट नॉट. ऑल राइट, वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स, बट हमने थियोरिटिकल पार्ट देखा है. कल हम देखेंगे इसका प्रैक्टिकल पार्ट, जहाँ पे वी विल एक्चुअली सिट ऑन अ सिस्टम, विल वॉक थ्रू द कोड, एंड दीज कोड्स विल ऑल्सो बी मेड अवेलेबल टू यू ऑन GitHub, जिसका हम लिंक नीचे अटैच कर देंगे डिस्क्रिप्शन में. ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच एंड होप यू हैड फन.